तो ये जो करी लीव्स का टी हम बना रहे हैं वो वेट लॉस के लिए तो बेनिफिशियल है ही, साथ ही साथ में अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है ना तो उसके लिए भी आप ये ले सकते हैं। तो हेयर ग्रोथ होने में भी इसका फ़ायदा हो सकता है आपको। यहाँ पे मैंने आधा नींबू लिया है और ये जो करी लीव्स है वो पहले ही धो के मैंने सुखा के ले लिए है, मतलब एकदम ड्राई, मतलब एकदम सूखा ना नहीं है, मतलब पानी में से वॉश करके यहाँ पे सेपरेट रख देना है। और यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर थोड़ी सी पिंच, एक मतलब जो पाउडर है ना ब्लैक पेपर पाउडर वो ले लिया है। और हल्दी हम डायरेक्टली पानी में मतलब ये जो चाय बनाते वक्त वो हम ऐड कर लेंगे। ये देखिए एक मग मैंने यहाँ पे पानी ले लिया है, हम उसे गरम कर लेंगे। अब उसी में हमें ये करी लीव्स ऐड करनी है। पाँच मिनट इसे हमें ऐसे ही बॉईल करते वक्त रख देना है और एक उबाल आने तक का वेट करना है ताकि हम बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम इसमें ऐड कर सकें। वेट लॉस में ये बहुत ही बेनिफिशियल है, ये अगर इस तरह से आप करी लीव्स का टी बना कर पियेंगे ना तो वेट लॉस और हेयर ग्रोथ के लिए भी आपको बेनिफिट देता है। और फिर आपकी ना आई साइट भी मतलब बहुत अच्छी हो जाती है क्योंकि उसमें विटामिन ए होता है ना, एंटी इंफ्लेमेटरी भी होता है। तो अगर आपको कुछ इन्फेक्शन हो रहा है तो आप इस तरह से करी लीव्स का सेवन कर सकते हैं। करी लीव्स के बहुत सारे फायदे हैं। अगर कोई प्री डायबिटिक है तो इस तरह से करी लीव्स का आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ये जो करी पत्ता है यानी कि करी लीव्स है आप कोई भी फॉर्म में खा सकते हैं। कोई कोई लोग कच्चा भी खा लेते हैं, कोई कोई लोग सिर्फ ड्राई रोस्ट करके उसका पाउडर बना लेते हैं, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के फिर खा लेते हैं, वैसे भी एकदम अच्छा होता है। और करी पत्ता की चटनी खाते हैं कोई लोग, और रोज़ाना खाने में तो हम उसे इस्तेमाल करते ही है, राइट? तो ये बहुत ही गुणकारी है करी लीव्स। हम नॉर्मली कैसे है ना, जो भी फूड हम बनाते हैं उसमें तड़के के तौर में हम लोग करी पत्ता तो डालते हैं, लेकिन खाना खाते वक्त हम उसे निकाल कर पहले ही फेंक देते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, इसका सेवन भी हमेशा करना चाहिए क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। और ये जो टी है आप कोई भी समय ले सकते हो, मतलब सुबह ही नहीं रात को, मतलब सोते समय भी आप ये टी पी के सो सकते हैं। ऐसे नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको ये सुबह ही पीना है खाली पेट, ऐसे नहीं है। आप रात को सोते वक्त भी आप ये पी सकते हैं। इसमें बहुत सारे गुणकारी जीवन सत्व होते हैं जैसे कैल्शियम है, फॉस्फरस है, तो वो भी उसके बेनिफिट्स तो आपको पता ही होंगे। तो एक तरीके से ये हेल्थ ड्रिंक मतलब सुपर ड्रिंक ही है, तो आप उसका सेवन बेझिझक कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक उबाल आ रहा है तो इसी समय हम उसमें ना ये जो ब्लैक पेपर का जो पाउडर है ना वो ऐड कर देंगे, ऐड करना है, उससे टेस्ट भी अच्छा आता है। और एकदम थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे, इसे उबाल आने दीजिए। मिनिमम 10 मिनट्स तक आपको इसे बॉईल करके फिर उसे आप पी सकते हैं। इसमें आपको कोई भी शुगर या फिर हनी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये टेस्ट में बहुत ही अच्छा लगता है। इट्स लाइक अ सूप, तो सूप में हम लोग शक्कर वगैरह तो नहीं डालते ना, तो कैसे टेस्टी होता है सूप, तो वैसे ही ये एकदम बहुत अच्छा टेस्ट करता है। और उसमें हमने ब्लैक पेपर पाउडर और बाद में हम नींबू भी ऐड करने वाले हैं, तो बहुत ही टेस्टी होता है। सो डोंट वरी अबाउट द टेस्ट। अब ये देखिए अभी 10 मिनट तो हो चुके हैं, अभी मैं गैस बंद कर लेती हूँ। ये देखिए अभी मैंने गैस बंद कर दिया है, 5 मिनट के बाद हम इसे छान कर एक कप में निकाल लेंगे और फिर उसमें नींबू का रस ऐड करके हम उसका सेवन कर सकते हैं। ये देखिए कप मैंने रेडी रखा है यहाँ पे, अब इसे हम छल्ले में से छान कर पी सकते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया कलर भी आया है। और या इसे ना गैस पे से जब भी फ्लेम चालू रहती है ना तभी उसमें नींबू का रस ऐड नहीं करना है, इसे पहले छान कर कप में निकालने के बाद उसमें ये जो नींबू है, आधा नींबू मैंने लिया है एक मग के लिए,
उसका रस इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से। तो ये आपका करी लीव्स का टी रेडी है। और इसमें कोई भी शुगर या फिर हनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका सेवन ऐसे ही कर सकते हैं। और इसके हेल्थ बेनिफिट्स जो है ना वो बहुत अच्छे हैं, तो आपको जैसे मैंने बताया है वो आप फॉलो कर सकते हैं। और ये जो चाय है करी लीव्स का चाय, उसका सेवन करके अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले ब्लॉग्स या फिर वीडियोस जो है वो आपके पास सबसे पहले आ जाएंगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि सबको पता चले करी लीव्स के बेनिफिट्स। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।